Hey guys, welcome to my YouTube channel RBT Bodybuilding. आज हम बताने जा रहे हैं FST 7 best arms workout. तो उसके लिए सबसे 7 best arms workout कौन से होने वाली है. तो let's go for the workout. तो फर्स्ट वर्कआउट है वो है bicep curl. अब bicep curl क्या सबसे बेसिक है. सबसे बेसिक में आपको थोड़ा लंबा रॉड ले लेना है और आपको जितना वेट डालो उतना. उसके बाद आपको जो पकड़ना का शोल्डर वेट, आपको जो शोल्डर है उससे हल्का सा बाहर. उसके बाद जब आप मारोगे तो ऐसा नहीं मारना, ये जर्क नहीं करना है आपको, ये गलत हो गया. आपको स्ट्रेट खड़े रहना है, चेस्ट अप, बाइसेप एकदम सीधा. उसके बाद इज फिर डाउन स्लो, ये ऐसा 5 बिगिन है, 5 तक है, 5 तक अकाउंट में नीचे ला गए. हल्का सा जर्क ले सकते हो ऊपर लाने के समय, लेकिन जब नीचे छोड़ोगे 5 तक में. तो कुछ ऐसा माना आपको क्या है, पूरी बॉडी नहीं हिलनी चाहिए, बॉडी स्ट्रेट, शोल्डर पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, ओनली एल्बो, यहां से अप फिर डाउन, अप डाउन. तो ये हो गया फर्स्ट वर्कआउट. अब इसके साथ आपको बिना रेस्ट लिए, जैसे कि आपको 4 सेट कंप्लीट हुआ था, कितना 4 सेट, कम से कम 8-12 आपका रेप्स जाना चाहिए. तो उसका सेकंड वर्कआउट कौन सा होने वाली है, आपको बिना रेस्ट किए तुरंत ही, ऐसे आपको जो भी है आपका कोई डंबल जो आपको ज्यादा अच्छे से आ सके वो ले लेना. उसके बाद आपके जिम में ये टेबल होगा, इस टेबल को लेके आपको सबसे पहले इधर के ले जाना है. ये लेने के बाद अभी आपको पोजीशन ऐसे नहीं रखनी है, हैमर में रखनी है. फिर अप, इसको होल्ड रखना है, इसको ऊपर लेके आना है. फिर इसको डाउन, फिर इसको होल्ड रख के इसको ऊपर लेके आना है, इसको डाउन. ये ऑल्टरनेटिव होगा. तो कुछ इस तरीके से आपको ये वाली वर्कआउट परफॉर्म करनी है. अभी ये जैसे ही आपका ये वर्कआउट खत्म होगा, बाइसेप पूरा आपका पंप रहेगा, उसके बाद हमें तुरंत जाना है ट्राइसेप माने. ट्राइसेप में क्या माने आइए मैं आपको बताता हूं. तो जैसे कि अपनी मशीन देखिए, सबके जिम में ऑलरेडी होती है. अब इसके बाद आपको ये स्ट्रेट रोल लेना है. स्ट्रेट रोल लेने के बाद ओवर हैंड ग्रिप, अंडर नहीं लेना है, ओवर लेना है. उसके बाद खड़े होकर सिद्धांत के बाद ट्रेसअप कैसे मारते हैं, शोल्डर आगे, शोल्डर जो है आपके ये आगे पीछे नहीं मिलेगा ना, एल्बो, एल्बो और शोल्डर एक जगह फिक्स रहेगा. फिर डाउन स्लोली, डाउन. तो इस तरीके से आपको ये वर्कआउट मानना है. इसके बाद हमें इस तुरंत ही, उसके बाद आपको कम से कम 30 से 45 सेकंड का रेस्ट लेना है. अब रेस्ट लेने के बाद आपको कौन सी वर्कआउट परफॉर्म करनी है. रेस्ट लेने के बाद आपको जाने से फिर से बाइसेप पे. अब हम बोल रहे हैं ट्राइसेप पे, आप सीधे बाइसेप पे क्यों आए, क्योंकि ट्राइसेप जो हम पंप करने के लिए आए थे, ताकि आपको ब्लड फ्लो जो है अच्छे से हो सके. ट्राइसेप जो है बड़ा मसल है, बाइसेप छोटा है. तो पूरे ओवरऑल आर्म्स को अच्छा दिखाने में आपको ट्राइसेप भी हेल्प करता है. तो उसके बाद हमें जाना है कितने फ्यूचर कर्ल्स में. तो चलते हैं फ्यूचर कर्ल्स की ओर. पसीना आ गया, बताते बताते. उसके बाद ये फ्यूचर कर्ल्स ये आपके जिम में होगी, अगर नहीं होगा तो आपका जो बेंच जिस पे आप 45 डिग्री लेते हो, उस पे 45 डिग्री से हल्का अप करके फिर आप मार सकते हो. उसमें मारना कैसे है, तो सबसे पहले आपको डंबल सिलेक्ट कर लेना है आपके हिसाब से. जैसे मैं 10 केजी का लिया हूं. उसके बाद फिर आपका जो हाथ है ना, इतना ऊपर रहेगा ना एकदम नीचे, एकदम मीडियम में रहेगा. और कुछ लोग क्या करते हैं, आपका जो हाथ ना ऐसे रखते हैं ये, ताकि उनका ज्यादा इफेक्ट है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है. आपको क्या नॉर्मल रखना है, न्यूट्रल ग्रिप में. उसके बाद आपको जो एल्बो है ना, ये अंदर की तरफ रहेगा. फिर डाउन, फिर अप. आपको डाउन कहां तक जाना है, आपको पूरा डाउन यहां तक सीधा नहीं है, तो आपका जो हाथ है पूरा सीधा हो जाएगा और आपका जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा. तो इसकी वजह से हल्का आपको यहां तक रखना है. फिर अप डाउन अप, फक, बस आपको इतना ही करना है. इसके बाद हमारा वर्कआउट है जो कि अगेन होगा ट्राइसेप के ऊपर. और ट्राइसेप का कौन सा होगा मैं आपको बताता हूं, जहां पे हम पहले मारते उस मशीन में फिर से जाना है. तो लेट्स गो. इंग्लिश भी बोलना पड़ता है थोड़ा थोड़ा यार. उसके बाद पहले, सबसे पहले आपको ये निकाल लोगे तो पहले हम मार थे. उसके बाद आपके जिम में ये वाली अटैचमेंट जरूर होगी, जिगजैग वाली, जो कि हम केवल पे लगा सकते हैं. फिर इसको लगाने के बाद आपको पकड़ना कहां से, ये जो क्या बोलते इसको, स्ट्रेट लाइन या जो कर्व दिख रहा है ना, कर्व पे आपको पकड़ना है. उसके बाद अब इसकी मार को ज्यादा भारी हो गया. इसे पकड़ के फिर आपको अप आना है. तो आपका जो हाथ है ना, ऐसे बाहर की तरफ रहेगा ना, ज्यादा अंदर की तरफ ना, आगे की तरफ ना पीछे की तरफ,
इधर एकदम सीधा न्यूट्रल, आपके सर है ना, सर के बाजू में, फिर पुश स्लोली बैक, पुश स्लोली बैक, पुश स्लोली बैक, पुश। तो कुछ इस तरीके से ये वाली माननी है। अब ये भी, ये जो है एक्चुअल ट्राइसेप में काम करेगा, आपका जो पहला वाला ट्राइसेप का था, और ये आपको दो वर्कआउट हो गया ट्राइसेप का, और हमारा तीन हो गया किसका, बाइसेप का। तो टोटल कितना हुआ, पांच छह सात, सात हो गया। तो बस बाइसेप की वर्कआउट के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर द नेक्स्ट वीडियो।